हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस फरेसिसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 की, जिसमें भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है और आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पिक्चर के जरिए चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में 149 देशों में से हमारे भारत का स्थान है 108वां। बांग्लादेश भारत से बेहतर 48वें स्थान पर है। शिक्षा के स्तर श्रेणी में भारत 114वें स्थान पर पिछले साल की तुलना में 2 अंकों की गिरावट पर है। तो वहीं महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के लिए लगेंगे 202 वर्ष, यानी दोनों महिला और पुरुषों के बीच समानता लाने के लिए 202 वर्ष लगेंगे। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान 148वें स्थान पर मौजूदा, यमन सबसे नीचे यानी अंतिम स्थान पर है। भारत का स्थान, पाकिस्तान का स्थान और भारत से बेहतर करने वाले बांग्लादेश का स्थान, ये सभी याद रखिए। साथ ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड याद रखना जरूरी है, और सबसे लास्ट में कौन है? यमन सबसे अंतिम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्ष 2018 की लैंगिक असमानता रिपोर्ट में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट 18 दिसंबर 2018 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में जारी की गई, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के आंकड़ों में कहा गया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में उम्दा कार्य कर रही है, लेकिन अवसरों की समानता अभी भी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कार्य क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने में 202 वर्ष लगेंगे। अब जो जेंडर गैप इंडेक्स है, इसका आधार क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया लैंगिक असमानता की खाई को 68% पाट चुकी है, लेकिन फिर भी महिला पुरुष समानता के लिए 202 वर्ष लगेंगे। तो 202 वर्ष याद रखें। भारत के मामले में लैंगिक असमानता 66% है, जबकि पूरे दक्षिण एशिया की बात करें तो यह 65% है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग का आधार 4 श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन को बताया गया है, और वो 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, दूसरा है उन्हें मिलने वाले अवसर, तीसरा है शिक्षा का स्तर, और चौथा है स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा सॉरी तीसरा है शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा, तथा चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट शुरू होता है, जो कि हमने ब्रीफ वे में देख लिया था ऊपर। अभी हम देखते हैं, पहला देखिए, 2018 में कितने कंट्री पर सर्वे किया गया? 149। दूसरा देखिए, भारत की रैंकिंग 108 इस वर्ष भी है, और 2017 में भी भारत की रैंकिंग यही थी, जबकि 2016 में भारत की रैंकिंग 21 स्थान ऊपर उठकर 87 स्थान पर था। वर्ष 2017 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है, जिसके पीछे मुख्यतः राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और बुनियादी साक्षरता के क्षेत्रों में लैंगिक असमानता बढ़ने को जिम्मेदार ठहराया गया है। उसके बाद देखिए, रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों के बीच बांग्लादेश 48वें स्थान के साथ सबसे अच्छी स्थिति में है। उसके बाद देखिए, वर्ष 2017 में भी बांग्लादेश ही दक्षिण एशिया में लैंगिक असमानता रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ रहा था। पिछले वर्ष रैंकिंग थी 47, इस वर्ष 48 है। जेंडर गैप पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट में श्रीलंका और नेपाल क्रमशः 100 और 105वें स्थान पर रखा गया है। मालदीव की रैंकिंग 113, जबकि भूटान की रैंकिंग है 122। तो दोस्तों, जो इंडिया जितने भी तरह के, जैसे हो गया ब्रिक्स कंट्री हो गया, जिसका भी मेंबर है, उसके हिसाब से भी आपको याद रखना चाहिए कि ब्रिक्स मेंबर में
सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है, इंडिया का स्थान कौन सा है और सबसे नीचे कौन सा है। उसी तरह इंडिया जो है दक्षिण भारत का देश है, तो हम दक्षिण भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस देश को सर्वे में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शंस के हिसाब से आपको टिक करना होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, कुल 149 देशों पर रखे गए सॉरी किए गए सर्वेक्षण में भारत सॉरी पाकिस्तान की रैंकिंग 148 है। 149 में से पाकिस्तान 148 पे, जबकि सबसे नीचे 149 स्थान पर गृह युद्ध में फंसे देश यमन को रखा गया है। पिछले सालों की भांति लगातार 10वें वर्ष भी आइसलैंड पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे और तीसरा क्रमशः नॉर्वे और स्वीडन है। पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरा पे है स्वीडन। और आइसलैंड जो है लगातार 10वें वर्ष टॉप रैंकिंग पर है। उसके बाद देखिए, अब हम देखने वाले हैं चारों श्रेणियों में, जो चार श्रेणियाँ थी उसमें भारत का स्तर गिरा, और उसी पर देखते हैं क्यों गिरा, कैसे गिरा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप इंडेक्स को चार श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा और राजनीतिक सशक्तिकरण को शामिल किया गया है। आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मामले में भारत 2017 में 139 स्थान पर था, जबकि 2018 में 142 स्थान पर है। तो आर्थिक भागीदारी में 139 से 142 हो गया है। वहीं स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में भारत 147 स्थान पर था, जो कि अब हो गया है इस श्रेणी में भारत पिछले वर्ष से एक स्थान सॉरी 146वें स्थान पर है। पिछले वर्ष जो है 47वें स्थान पर, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, 46 स्थान से 47 पे चला गया है फिसल के। उसके बाद देखिए, राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत का स्थान 19वां है, जबकि पिछले बार 15 था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सारे में अंकों की गिरावट आई है। वहीं शिक्षा के स्तर में भी नीचे गिरकर क्या हो गया है, 114 हो गया, जबकि पिछले बार था 112। अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष है क्लाउस स्वान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, विकिपीडिया पे सर्च किया मैंने, चलिए देखते हैं क्या है। विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका मिशन है विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक स्थापना कब हुई थी, 1971 में। फाउंडर है क्लाउस स्वाब। उसके बाद हेडक्वार्टर देख लीजिए आप, स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।